हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑन माय यूट्यूब चैनल टीवी फूड लव घर का स्वाद। सबसे पहले तो पहले के कुछ वीडियोस में थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी के इश्यूज थे और वॉइस के इश्यूज थे, प्लस वीडियो फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहे थे, वो इस वीडियो में सही किया है। और दूसरी बात, जो व्यूज़ है पिछले 24 घंटे में जो आप लोगों ने दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेट्स स्टार्ट आज की रेसिपी। सो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे का खस्ता, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा स्नैक्स है। आप शाम में इसको चाय के साथ या फिर छोले के साथ भी खा सकते हैं। सबसे पहले खस्ता बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो है मैदा। मैदा, एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि मैदा जब आप ले रहे हैं तो मैदा काफी पुराना ना हो, क्योंकि मैदा जब पुराना हो जाता है तो उस थोड़ा सा कसैलापन आ जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम से मैदा रखा हुआ है तो उसको थोड़ा एक बार टेस्ट कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैदे में कसैलापन है तो आप नया ले आइए मार्केट से। मैदे के अलावा जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं आपके, सबसे पहले आपको चाहिए मंगरेल, जिसको कलौंजी भी बोलते हैं। उसके बाद चाहिए अजवाइन, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और ऑयल थोड़ा खस्ता बनाने के लिए। तो अब शुरुआत करते हैं। ये मैंने कुछ 200 ग्राम के आसपास मैदा लिया है। इसमें कलौंजी डालेंगे, या फिर इसको मंगरेल बोलते हैं, कुछ हाफ टी स्पून, और डालेंगे अजवाइन। मंगरेल जब आप डालते हैं तो एक चीज ध्यान रखें कि मंगरेल बहुत ज्यादा ना डालें, क्योंकि मंगरेल अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो फिर से कसैलापन आ जाता है, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। सो मंगरेल थोड़ा सा ही डालें, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। सो नमक टेस्ट के हिसाब से डाल दिए। अब इसके साथ हम डालेंगे ये ऑयल। ऑयल क्या करता है, आपका खस्तापन लाता है। बट ऑयल भी ध्यान रखें कि ऑयल आप ना तो बहुत कम डालें और ना ही बहुत ज्यादा डालें, क्योंकि अगर आप कम डालेंगे ऑयल तो बहुत ही कड़ा हो जाता है, और अगर आप बहुत ज्यादा डाल दिए तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। सो ऑयल का भी रेशियो उस हिसाब से होना चाहिए। जैसे अभी मैंने 200 ग्राम मैदे में मैंने इस बड़े वाले चम्मच से 4 चम्मच डाले हैं। अब इसको अच्छे से हम गूंथ लेंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते टाइम एक चीज का ध्यान रखें, सबसे पहले जो ऑयल डाले हैं उसको अच्छे से मिक्स करें, और कुछ आप मिक्स करते टाइम आपको दिखेगी थोड़ी गांठें बनती हुई, तो वो आपको अच्छे से करना है ताकि वो लास्ट में गांठें ना रह जाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से गूंथ गया है, तो हमें तब तक गूंथना है इतने अच्छे से ताकि ऑयल मैदे में अच्छी तरह से मिल जाए और बाकी सामग्री जो डाली हुई है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसको पूरा अच्छे से एक डो बना लेंगे गूंथ के। और एक बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आप पानी डाल रहे हैं इसमें तो एक साथ ढेर सा ना डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके डालें और गूंथते रहें ताकि एक आइडिया मिले कि आपका आटा कितना सॉफ्ट होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, हम एक साथ पानी डाल देते हैं और फिर पानी अधिक हो जाता है, उसके बाद फिर हम मैदा डालते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सही करना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और गूंथते रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा डो ऑलमोस्ट रेडी है, बस एक दो मिनट और इसको गूंथना है और फिर हम बढ़ेंगे इसके बनाने की विधि की तरफ।
तो ये हमारा डव रेडी हो गया है। इसको इस तरह से आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि बहुत हार्ड ना हो और या फिर बहुत सॉफ्ट भी ना हो, क्योंकि फिर वो रोटी बेलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आगे आपको बेल के फिर जो परतदार आपको तैयार करना है खस्ता, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ये मैंने लोइयां बना ली हैं इसकी, अब हम इसको बेलेंगे एक बड़े स्क्वायर या राउंड शेप में, एंड उसके आगे फिर हम अगली विधि बताते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं। ये जो लोइयां बनाई हुई थी, अब इस पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम बेलना शुरू करेंगे। इसको एक स्क्वायर शेप में लंबा और काफी पतला बेलेंगे, क्योंकि पतला इसलिए बेलेंगे क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे लेयर बनाने के लिए, तो ये मोटा ना हो। अगर हम स्टार्टिंग में ही काफी मोटा अगर बेल देते हैं और फिर इसके बाद फोल्ड करके फिर जब लेयरिंग बनाते हैं, तो उस टाइम पे बहुत ही मोटा हो जाता है और फिर वो पकते टाइम प्रॉब्लम करता है। इसलिए हम एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसको हम काफी पतला बेलें और स्क्वायर शेप में थोड़ा सा बेल लेते हैं, ताकि फोल्ड करने में हमारे लिए आसानी रहे। तो ये हो गया आपका शेप तैयार। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले हम इसमें काम करेंगे, सबसे पहले हम इसमें पूरी एक लेयर ऑयल लगाएंगे। ऑयल हम अच्छे से लगाएंगे क्योंकि अब ये फोल्ड करना है, तो ऑयल थोड़ा हम ढंग से लगाएंगे। जैसे एक लेयर ये ऑयल की लग गई है, अब इसके ऊपर हम डालेंगे सूखा हुआ मैदा। ये सूखा हुआ मैदा हम अच्छे से पूरे अपने बेले हुए रोटी पे लगा लेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे, जब तक ऑयल और मैदा एक साथ मिक्स ना हो जाए तब तक हम अच्छे से इसको चलाएंगे। और हम मिक्स करेंगे अभी, ताकि हमें सफेद सफेद जो मैदा है वो न दिखे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको करेंगे एक साइड से फोल्ड आधी इस तरफ, ये इतना फोल्ड करेंगे हम। उसके बाद दूसरे साइड से भी उतना ही फोल्ड करेंगे। एक लेयर ऑयल का फिर से, ये जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल लग गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे फिर से एक पूरे मैदे सूखे मैदे की परत। और सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, अच्छे से चलाते रहेंगे मैदा डालने के बाद, तब तक जब तक कि मैदा और ऑयल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। मैदा थोड़ा सा और डालेंगे इसमें अभी हम। ये अच्छे से पूरा हम फैला लेंगे। नहीं मिक्स, अगर नहीं मिक्स होता है आपको लगता है, थोड़ा सा और डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये अच्छे से पूरा मैदा ऑयल के साथ जा चुका है। अब हम इसको करेंगे एक और फोल्ड। ये ऊपर से हाफ तक फोल्ड करेंगे हम, और इसको इधर से हम हाफ तक फोल्ड करेंगे। अब इसको पूरी तरह से पलट के एक बार फिर से हम इसको बेल लेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी से ही हल्की हल्की लेयर छोड़ने लगा है, तो ये हम अच्छे से बेल लेंगे। यही जब हम फ्राई करते हैं तो लेयर में निकलता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हमने फिर से एक बार बेल लिया है। अब इसके ऊपर फिर से एक लेयर हम ऑयल लगाएंगे, पूरा अच्छे से ऑयल लगाएंगे उसमें, और ये हम ऑयल लगा लिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मैदा, फिर से सूखा हुआ मैदा। डालिए ये मैदा डालेंगे हम, अब इसको हम फिर से अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे जब तक ऑयल और मैदा मिक्स ना हो जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैदा पूरा फिर से मिक्स हो चुका है ऑयल में। अब हम इसको लास्ट बार फोल्ड करेंगे, ये एक हम आधे तक पूरा फोल्ड करेंगे इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी देख सकते हैं लेयर छोड़ रहा है, तो ऐसे ही ये लेयर में बनता है। और इसके ऊपर हम बाकी का आधा इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। और इसको हम पलट के एक बार फिर से बेल लेंगे। अब जैसा कि देख सकते हैं हमने फिर से इसको बेल लिया है एक स्क्वायर और लंबे शेप में। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे। बीच में से पहले कट करते हैं। और अब इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। ये हमने काट लिया है छोटे छोटे शेप में सारे। अब इसको हम करेंगे फ्राई। फ्राई करने के लिए हमारा ऑयल रेडी है। एक चीज हमेशा ध्यान दें कि ऑयल जो आप रख रहे हैं बहुत ज्यादा गर्म ना हो, बहुत ही धीमे आंच पे रखना है ऑयल, क्योंकि ये जब लेयर वाली परत का सीन ये होता है कि जब आप पकाना शुरू करते हैं तो अगर आपकी आंच तेज है तो ऊपर से पक जाता है पूरा और अंदर नहीं पक पाता है, तो उसके लिए हमें बहुत ही धीमे आंच पे ऑयल रखना है और इसको धीरे 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 पकने देना है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ऐसे ही ये होगा। अब इसको हम ऑयल में डालेंगे एक एक करके सारे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी से लेयर छोड़ने लगा है, तो ऐसे ही ये लेयर वाले पूरे खस्ता आपके बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये एक एक लेयर छोड़ रही है जो हमने फोल्ड किया हुआ था। और इसको हम हल्के से चलाएंगे ताकि एक साइड पे ना पक जाए पूरी तरह, दोनों हर तरफ से बराबर हो। ये देखिए ऑलमोस्ट आपका हो चला है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आप इसमें पका रहे हैं तो कभी कभी ऑयल में देखने से लगता है कि अभी हल हुआ नहीं है, बट इतना जो आपको दिख रहा है हल्का भूरा इतना बहुत है। ये जब आप निकालेंगे और ये हल्का सा ड्राई होगा तो और इसमें कलर आ जाता है। ये हमारा खस्ता बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं एक एक लेयर दिख रही है अलग अलग।
होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आगे बहुत ही लाजवाब डिशेज हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।